मैं हूँ रिया एंड वेलकम टू माय चैनल रियाज स्पिरिचुअल रेमेडीज। आज मैं EFT करने वाली हूँ बच्चों के लिए। जनरली देखा जाता है जो मैथ्स का सब्जेक्ट होता है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है और बच्चों की समझ में नहीं आता है। ज़्यादातर बच्चे मैथ्स का जो सब्जेक्ट होता है उससे भागते हैं क्योंकि बचपन में ही फाउंडेशन मैथ्स की वीक हो जाती है और जैसे जैसे वो बड़ी क्लास में आते जाते हैं, 9th-10th में आते आते वो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। तो आज जो मैं EFT है वो बच्चों के लिए करने वाली हूँ। अगर आपके बच्चे EFT आप सिखा सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, उनकी लाइफ में हमेशा यूज़फुल होगी। तो आई वुड रिकमेंड कि अपने बच्चों को EFT करना सिखा दीजिए। अगर नहीं सिखा सकते हैं, आपके बच्चे टीनेजर हैं, एडमेंट हैं, आपकी बात ज़िद्दी है, नहीं सुन रहे हैं, तो आप उनके लिए EFT कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि आप अपने बच्चे का नाम खुद लीजिए, जो जनरली मैं करती हूँ अगर मुझे अपने बेटे के लिए करनी होती है। वैसे मेरा बेटा खुद EFT सीख चुका है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, या फिर मैं अपने बेटे के ऊपर खुद EFT की डायरेक्टली कर देती हूँ। तो या तो अपने बच्चे के ऊपर डायरेक्टली EFT जो टैपिंग पॉइंट्स होते हैं, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक जिसे बोलते हैं, उन टैपिंग पॉइंट्स पे आप अपने बच्चे के खुद टैप कर दीजिए, या फिर आप बोलिए लाइक मेरे बेटे का नाम सिद्धार्थ है, तो अगर मुझे सिद्धार्थ के लिए EFT करनी है तो मैं पहले बोलती हूँ आई एम सिद्धार्थ। 5-10 मिनट में ये बोलती हूँ, थोड़ी देर जब मुझे लगता है कि हाँ मैं उस बच्चे के सोल में जा चुकी हूँ तो मैं EFT करना शुरू कर देती हूँ, जैसे कि मैं अगर सिद्धार्थ को कराती वैसे। तो आप उस तरह से भी EFT कर सकते हैं। अगर आपको अपने बच्चे के लिए EFT करनी है तो अपने बच्चे का नाम थोड़ी देर लीजिए और उसके बाद EFT करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का EFT मैथ्स के लिए, मैथ्स को क्योंकि क्रिटिकल सब्जेक्ट होता है। पहले आपको बोलना है, अगर आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, लाइक अगर मान लीजिए मैं सिद्धार्थ के लिए कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम सिद्धार्थ। थोड़ी देर आप बोलिए, उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे। टुगेदर आई एक्सेप्ट माई सेल्फ टोटली। Together, I accept myself totally. Release resistance on from cellular level. Together, I accept myself totally. Together, I accept myself totally. Release resistance on from cellular level. Together, I accept myself totally. Together, I accept myself totally. Together, I accept myself totally. Together,
I accept myself totally. Release resistance on from cellular level. Release resistance on from cellular level. Together, I accept myself totally. 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 Release resistance on from the cellular level. Release resistance on from the cellular level. Release resistance on from the cellular level. Sentence bolne ja rahi hu jo ye maths ke liye hai, EFT kya. I choose to understand maths as I understand cartoons. ये सेंटेंस मैं बोलूंगी. आप कार्टून की जगह वीडियो गेम डाल सकते हैं. अगर आपका बच्चा किसी और चीज के लिए पैशनेट है तो आप वो डाल सकते हैं. आई चूज टू अंडरस्टैंड मैथ्स एज आई अंडरस्टैंड कार्टून्स. आई चूज टू अंडरस्टैंड मैथ्स एज आई अंडरस्टैंड कार्टून्स. आई चूज टू अंडरस्टैंड मैथ्स एज आई अंडरस्टैंड कार्टून्स. Choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. Release resistance on from the cellular level. I'm releasing all the thoughts, emotions and memories from that part of my mind, body and soul which stops me getting understand maths. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. Release resistance on from cellular level. I'm releasing all the thoughts, emotions and memory from that part of my mind, body and soul which stops me getting understand maths. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. Release resistance on from cellular level. I'm releasing all the thoughts, emotions and memories from that part of my mind which stops me getting understand maths. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand
cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. Release resistance on from cellular level. I'm releasing all the thoughts, emotions and memories from that part of my mind, body and soul which stops me getting understand maths. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. Release resistance on from cellular level. Releasing all the thoughts, emotions and memories from that part of my mind which stops me getting understand maths. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. Release resistance on from cellular level. Release resistance on from cellular level. Really, I am releasing all the thoughts, emotion and memories from that part of my mind, body and soul which stops me getting understand maths. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. I choose to understand maths as I understand cartoons. Release resistance on from cellular level. I am releasing all the thoughts, emotions and memories from that part of my mind which stops me getting understand maths. इस तरह से आप लोग अपने बच्चों के लिए EFT कर सकते हैं और ये आप EFT डेली दिन में 2 से 3 बार अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं. जनरली अगर आप किसी सेकंड पर्सन के लिए किसी दूसरे के लिए EFT करते हैं तो बेस्ट होता है या तो आप ब्लैक टर्मिन स्टोन यूज करें या फिर एक्यूप्रेशर जो स्टिक्स आती हैं उससे टच करें. दूसरी चीज, अगर आपको हिट करने में या ऐसे बार बार टैप करने में अनइजीनेस है तो आप सिंपली यहाँ पे प्रेस करके रख सकते हैं ऐसे. इस तरह से आई चूज टू अंडरस्टैंड मैथ्स एज आई अंडरस्टैंड कार्टून्स. आई चूज टू अंडरस्टैंड मैथ्स एज आई अंडरस्टैंड कार्टून्स. आई चूज टू अंडरस्टैंड मैथ्स एज आई अंडरस्टैंड कार्टून्स. इस तरह से आप प्रेस करके रख सकते हैं. एक और तरीका है जो आप कर सकते हैं, जब आपके बच्चे सो जाते हैं तो आप उनके पर माइल्ड हाथ से या फिर ये ब्लैक टर्मिन स्टोन से माइंडली उनके ऊपर EFT कर सकते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने उनके ऊपर EFT कर दी है. स्पेशली जो टीनएजर्स और बड़े बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को तो आप कभी भी कर लीजिए वो सुनते हैं, पर बड़े बच्चे जो है जब बड़े हो जाते हैं तो सुनते नहीं हैं.
तो अगर आपके बच्चों का बोर्ड का एग्जाम्स है, वो अभी एग्जाम्स देने वाले हैं, तो बेस्ट है कि आप उनको इस तरह से ईएफटी करना शुरू कर दीजिए, दे विल गेट गुड मार्क्स। और मैं अभी आने वाले जो कुछ ईएफटी हैं वो बच्चों के लिए लेके आऊँगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं, तो कमिंग मेरे जो वीडियोज़ हैं वो स्टडी को लेके ही ईएफटी होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।